बच्चे कब पढ़ा रही हैं। इंग्लिश हाँ में इतना बहुत डिटेल में नहीं पता है, लेकिन हिंदी में सारी चीजें डिटेल में बताया मुझे, तो ये मेरे लिए हाँ कैसे हेल्प। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। तो मैं ऐसा समझती हूँ, क्योंकि हम लोग जब स्कूल्स में भी पढ़ाते हैं, या हमेशा हम एक लैंग्वेज को नहीं पढ़ाते हैं ना, हमारा जैसे आपने स्कूल से 10th तक आपने एक इंग्लिश पढ़ा होगा, आपने एक दूसरी भाषा हिंदी पढ़ा होगा, और एक कभी कभी एक और हमारी थर्ड लैंग्वेज भी होती है, संस्कृत होती है, या कोई भी हमारी गुजराती एक और होती लैंग्वेज भी होती है। तो इन क्यों हम तीन तीन भाषा को सीखते हैं? क्योंकि ऐसा समझा गया है कि जब भी हम एक भाषा को सीखते हैं, जैसे अगर आपकी प्रोफिशिएंसी, आपकी बहुत माहिरता है हिंदी में, तो मेरे पास अगर आपको, आपके लिए अंग्रेजी सीखना भी इजी होगा। प्लीज म्यूट कर सकते हैं। और जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है अभी, उसमें तो और बोला गया है कि आप अपनी लोकल लैंग्वेजेस पे ज्यादा ध्यान दीजिए, स्कूल एलिमेंट्री लेवल पे, फंडामेंटल लेवल पे। तो कोई भी भाषा हो, मुझे तो इतना भाषा से इतना लगाव है कि कोई भी भाषा हो, अगर मेरी एक चीज में, भाषा में थोड़ी सी जानकारी है और मुझे मौका मिल रहा है कि मैं दूसरी भाषा के बारे में जान सकूं, तो वो मेरी पहली भाषा को और स्ट्रॉन्ग करेगा। जो अंडरस्टैंडिंग होती है, जो उस विचारों को एक्सप्रेस करने का जो जरिया होता है, भाषा क्या है? भाषा से तो हम अपने विचारों को एक्सप्रेस करते हैं ना, व्यक्त करते हैं। तो वो अगर मेरी हिंदी में बहुत अच्छी, मेरी उसमें बहुत अच्छी माहिर हूं मैं उसमें, और मुझे उसके साथ साथ अंग्रेजी का भी सीखने का मिल रहा है, तो जो मेरे दिमाग में भी जो न्यूरॉन्स बनेंगे ना, क्योंकि हर चीज तो इज रिलेटेड टू व्हाट माय ब्रेन इज असिमिलेटिंग। तो मेरे ब्रेन में जब भी न्यू इंफॉर्मेशन जाती है, और जब वो हमारे ब्रेन में सम न्यू कनेक्शंस टेक प्लेस, तो मेरा एडवांसमेंट, मेरी ग्रोथ होती है आगे सीखने में नई चीजों को। तो ये जो अगर हम हिंदी में कर रहे हैं, पर हमें इंग्लिश अगर सीखने का मौका मिल रहा है, तो हमें इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेकर चलना चाहिए कि चलो इस सीखने से मुझे जरूर अपने, क्योंकि कोई बलून थोड़ी है कि ये वाला हिस्सा भाषा का है हिंदी भाषा का है, ये वाला हिस्सा हिंदी इंग्लिश भाषा का, ऐसा कुछ नहीं है। एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू एवरीथिंग, है ना? एवरी लर्निंग इज टेकिंग प्लेस इन माई हेड ओनली। तो जैसे जैसे हमारे, ओके, एम आई नॉट ऑडिबल? नो नो, यू नो आर मैम, वेरी मच यू ऑडिबल आर मैडम। ऑडिबल मैम, हाँ, यू ऑडिबल आर यू आर। एब्सोल्युटली ऑडिबल। और तो बहुत अच्छे जैसे से समझा रही जैसे, मैम आप, मैं आपकी बात पूरी तरह समझ रही हूँ। ये बात मैं भी जानती हूँ मैम, बस मैंने अपना मतलब क्वेश्चन सामने रखी कि इस हाँ ये एग्जाम के लिए फिर ये जरूरी क्यों है, क्योंकि जैसे मैं हिंदी में पीएचडी कर रही हूँ, तो मेरा तो ऐसा कुछ भी मतलब है ही नहीं, थोड़ा बहुत वो थी रिसर्च और सारी चीजें हैं जो है मेरे काम की, और दूसरे सब्जेक्ट की है। फिर मैं समझ गई कि सारे सब्जेक्ट कंबाइन करके ये एग्जाम है शायद। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। है ना? हाँ, तो अभी हम जो एग्जाम्स के नजरिए से जो हमें देखना है, वो भी हम जैसे अभी हम कॉमा वगैरह जो भी पंक्चुएशन मार्क्स हमें करने हैं, तो वो अभी हम उनके बारे में भी जानेंगे। और यस मैम, आप बिल्कुल, मेरे मुझे मालूम है आप बहुत अच्छे से वो चीज को आपने ग्रास्प कर लिया है, व्हाट आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्रेस। यस, सो दैट्स बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अभी इसमें बहुत सारे चेंजेस आ गए, आने 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 वाले समय में आएंगे। अभी हमारी डिपेंडेंसी इंग्लिश पे इतनी ज्यादा है कि हम इनके बिना हमारे बहुत सारे काम नहीं होते हैं। तो नहीं तो हमारी हिंदी जैसी तो कोई भाषा ही नहीं है, संस्कृत जैसी तो कोई भाषा ही नहीं है। मुझे तो लगता है जिनको संस्कृत अच्छी आती है, उनको सारी भाषाएं आ जाती हैं। मैं खुद, मैंने संस्कृत की है, और मुझे सबसे पावरफुल लैंग्वेज संस्कृत लगती है। तो और बहुत बहुत आपका अच्छा क्वेश्चन है, और वो संस्कृत सीखने से थैंक इंग्लिश यू मैम, आपने बहुत भी आई मुझे। अच्छा हाँ, वो संस्कृत सीखने से मुझे इंग्लिश आई, दैट इज व्हाट आई वुड से। बोला। थैंक यू हाँ, मैम, आपके यस, बोलने का तरीका बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे तरीके से अट्रैक्ट कर लेते हैं अपनी बातों से सभी को। थैंक यू मैम। अरे ये भी प्रैक्टिस कर करके, ये सब, क्योंकि सारी चीजें तो यही असिमिलेट हो रही है ना, वो भले ही संस्कृत हो, भले ही वो इंग्लिश हो, भले ही वो हिंदी हो, भले ही वो मराठी हो, सबका जरिया तो एक ही
सोर्स तो एक ही है ना एसिमिलेशन का, तो बस चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। अब कॉमा पे आते हैं, और कॉमा पे जस्ट अ मिनट, लेट मी स्टार्ट विथ माय स्क्रीन शेयर एंड तो जब हमने ये देख लिया कि हाउ टू अंडरस्टैंड द क्लॉजेस, हम उनको फ्रेजेस के बारे में कैसे जानना चाहते जान सकते हैं, क्लॉजेस के बारे में आप कैसे जान सकते हैं, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हम इन सबको कैसे ज्वाइन करके, कैसे अपनी जो भी हमारा लिखने का प्रोसीजर है उसको हम इफेक्टिवली कैसे करें। सो लेट्स जस्ट गो स्ट्रेट टू दिस। ओके, तो अभी तक हमने जो जो किया, इज दैट क्लियर? एनीबडी वुड लाइक टू शेयर एनीथिंग जो अभी हमने जो जो किया है उसके बारे में? I'll We just just in the top revision, just to recall all these things. अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके। तो हम एक मिनट, हमने पहले शुरू किया था कोहेरेंस और कोहेजन के साथ। हमने एक उसको एक सैंपल के थ्रू देखा कि कोहेरेंस और कोहेजन को जब हम बात करते हैं कि कोहेरेंस और कोहेजन एक हमारी राइटिंग पीस में होना चाहिए, तो उसका क्या तात्पर्य है, उसका क्या मतलब है? क्योंकि ऐसे ही हम खाली हवा में बातें नहीं कर सकते। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग, वी शुड हैव वैलिड प्रूफ टू वैलिडेट कि भाई हमारा ये मतलब है और दिस इज व्हाट वी विश टू एक्सप्रेस। तो हमने वहां से शुरू किया सैंपल से। कैन यू सी माई स्क्रीन? इज माई स्क्रीन विजिबल? नो तो नो हमने मैम, ये हाँ नो नो शेयर मैम, स्क्रीन वी कैन नॉट सी मैम। नो मैम, ओके शेयर आई एम ओके। नाउ यस मैम, यस, सो वी गुड क्विकली मैम। टेक दिस एग्जाम्पल एंड देन वी अंडरस्टूड कि ये फ्रेजेस क्लॉजेस क्या होते हैं और हमारी जो मिसप्लेस्ड मॉडिफायर्स हैं वो कैसे हमारे सेंटेंसेस को कुछ का कुछ रूप दे देते हैं। तो ये हमारे मॉडिफायर्स थे, उसके बाद हम कंजंक्शंस पे आ गए। अब कंजंक्शंस हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट टूल्स हैं जो कि वर्ड्स फ्रेजेस और क्लॉजेस को ज्वाइन करते हैं। और फिर हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को देखा जो कि फैन बॉयज हैं। अब हर कंजंक्शन का एक फंक्शन है और हमें उस कंजंक्शन को उसी फंक्शन के लिए यूज करना है। तो जैसे मैंने फॉर का बताया था, रीजन है, एडिशन है, नेगेशन है, कंट्रास्ट है, ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है, सरप्राइज कंट्रास्ट है और इफेक्ट। तो आपका ये जो लेसन सेशंस हैं, दीज आर मोर अबाउट अंडरस्टैंडिंग द कंजंक्शंस एंड द पंक्चुएशंस। तो मैं ये सब डिटेल में मैंने इसलिए ये बताया क्योंकि मैंने जैसे कहा कि इनके साथ आपके सेमी कोलन, कोलन, कॉमा कैसे यूज होंगे वो क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने देखा कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के पहले कॉमा आ रहा है, दैट इज अ रूल, तो ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कॉमा लगा दीजिए पहले, अब एंड से पहले भी कॉमा आ रहा है। अब एंड से पहले तो हमने कभी जाना ही नहीं कि एंड से पहले कॉमा आता है, तो एंड तो ऐसे कुछ कुछ अब हम कॉमा के रूल्स देखेंगे। ये कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं जिनमें आपको ज्यादा पंक्चुएशन का कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होता है। सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की जब हम बात करते हैं तो इसमें हमेशा एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, क्योंकि सबॉर्डिनेट है तो इसमें डिपेंडेंसी होनी ही है। तो डिपेंडेंट क्लॉज या तो
पहले आ सकता है या फिर बाद में आ सकता है ना। दो तरह से ज्वाइन हो सकते हैं, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट। तो जब डिपेंडेंट पहले आएगा तो आप उसको कॉमा लगाएंगे, और जो इंडिपेंडेंट पहले आएगा तो आप उसको कॉमा नहीं लगाएंगे। सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस टू यू थ्रू एग्जाम्पल्स, अभी मैं आपको बताऊंगी। फिर नेक्स्ट आएगा कंजंक्टिव एडवर्ब्स। कंजंक्टिव एडवर्ब्स अगर आएंगे तो उससे पहले आप लगाएंगे सेमी कोलन। यहां पे देखिए, पहले सेमी कोलन, फिर एडवर्ब, फिर कोलन, सॉरी कॉमा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना। अब हम आ रहे हैं पंक्चुएशन पर। पहले हम ये समझ लें इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को तीन तरीके से जोड़ा जा सकता है। या तो आप उनके बीच में सेमी कोलन लगा दीजिए, ठीक है। तो अब हम जानेंगे, जैसे मैं पहले आपको बता देती हूँ इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को। इंडिपेंडेंट क्लॉज से कितनी तरीके से जोड़ सकते हैं? तीन तरीके से। ओके, पहला तरीका है जैसे हमने देखा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का। दूसरा तरीका है जो कंजंक्टिव एडवर्ब का। और तीसरा तरीका है जिसमें हम कोई कंजंक्शन ना लगाएं, खाली सेमी कोलन लगाएं। अगर हमने कॉमा लगा दिया टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के बीच में तो ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाता है। इट इज कॉल्ड अ रन ऑन सेंटेंस व्हिच इज इनकरेक्ट। तो इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि क्लॉजेस, इसीलिए मैंने ये इंडिपेंडेंट क्लॉजेस डिपेंडेंट क्लॉजेस थोड़ा सा बताया। तो तीन तरीके से सिखाए, तीन तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। पहला सेमी कोलन से, दूसरा कॉमा और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, तीसरा सेमी कोलन कंजंक्टिव एडवर्ब और कॉमा से। सो लेट्स सी दीज थ्री वी आर गोइंग टू बी नाउ सीइंग। तो हम इसी को देखने वाले हैं अभी। ज्वाइन इन क्लॉजेस पे अब हम आ गए। तो पहला यूज मैंने जैसे बताया सेमी कोलन से। सो द आइसक्रीम शॉप हैड एन अमेजिंग वैरायटी ऑफ फ्लेवर्स। आई कुड नॉट डिसाइड विच वन टू बाय। दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, इनके बीच में कॉमा नहीं, सेमी कोलन आएगा। और अगर आपको कॉमा लगाना है तो आप इसके बाद एंड लिखेंगे। द आइसक्रीम शॉप हैड एन अमेजिंग वैरायटी ऑफ फ्लेवर्स कॉमा एंड आई कुड डिसाइड विच वन टू बाय। तो वहां पे एंड आएगा। और अगर आप इसे कंजंक्टिव एडवर्ब से करेंगे तो आइसक्रीम शॉप हैड एन अमेजिंग वैरायटी ऑफ फ्लेवर्स सेमी कोलन हाउ एवर कॉमा आई कुड डिसाइड विच वन टू बाय। सो दीज आर द थ्री वेज इन विच वी कैन ज्वाइन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। तो जैसे ये है कॉमा वाला, मैंने जो बताया द न्यू आईफोन वॉज मोर एक्सपेंसिव देन आई एक्सपेक्टेड कॉमा सो आई हैड टू सेव फॉर अ फ्यू मोर मंथ्स बिफोर परचेजिंग वन। सो यहाँ पे आपका कॉमा और सो आ गया। सो हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है तो खाली कॉमा से चल गया। पर अगर मैं यहाँ पे कंजंक्टिव एडवर्ब ले आती तो देयर फोर हो जाता, वॉज मोर एक्सपेंसिव देन आई एक्सपेक्टेड देयर फोर आई हैड टू से। तो देयर फोर अगर मैंने कर दिया तो सेमी कोलन पहले आएगा, फिर देयर फोर आएगा, फिर कोलन आएगा। और या फिर मैं खाली सेमी कोलन कर दू, आई हैड टू सेव फॉर अ फ्यू मोर मंथ्स बिफोर परचेजिंग वन। सो दिस इज द सेकेंड रूल। तो हर सेंटेंस को मैं तीन तरीके से ज्वाइन कर सकती हूँ बिकॉज दे आर बोथ इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। तो मेरे पास तीन ऑप्शंस है, मैं ऐसे करूं, मैं वैसे करूं। जैसे मैंने कहा आपकी जो प्लैटर है, बड़ी सी प्लैटर है, उसमें ये सारे ऑप्शन सज रहे हैं। अब आपका मर्जी है कि आप किस से ऑप्शन को यूज करना चाहते हैं। सो
ये ज्वाइनिंग क्लॉजेस में फिर हम थर्ड वाला ऑप्शन जो मैंने अभी डिस्कस किया था कि एक सेमी कोलन फिर कंजंक्टिव एडवर्ब और एक कॉमा। तो वी हैड प्लान टू गो टू द बीच टुडे बट इट वाज रेनिंग, तो अगर बट होता तो जस्ट अ कॉमा, सेमी कोलन इट वाज रेनिंग और सेमी कोलन हाउएवर कॉमा इट वाज रेनिंग। सो रिमेंबर दिस फॉर्मूला, सेमी कोलन सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन प्लस कॉमा। सो दीज आर द थ्री वेज इन विच वी कैन ज्वाइन इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। अब डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज को ज्वाइन करने के लिए हमारे पास टू ऑप्शंस हैं। या तो हम उन्हें डिपेंडेंट क्लॉज पहले आ गया तो हमारा कॉमा आ जाएगा, और इंडिपेंडेंट क्लॉज पहले आ गया तो कॉमा नहीं आएगा। दैट्स सिंपल। सो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस कैन कनेक्ट टू डिपेंडेंट क्लॉजेस इन टू वेज। पहले डिपेंडेंट है तो कॉमा, वेदर वी गो टू द मूवी और टू द मॉल कॉमा, ये डिपेंडेंट क्लॉज पहले है, आई एम हैप्पी आइदर वे। पर अगर आपने चेंज कर दिया, आई एम हैप्पी वेदर वी गो टू द मूवीज और टू द मॉल, तो नो कॉमा। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका पंक्चुएशन। सो आई एम हैप्पी आइदर वे वेदर वी गो टू द मूवीज और टू द मॉल। सो दिस क्लियर हाउ टू ज्वाइन द इंडिपेंडेंट क्लॉजेस एंड द थ्री वेज इन विच वी कैन ज्वाइन इंडिपेंडेंट क्लॉजेस एंड द टू वेज इन विच वी कैन ज्वाइन इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। इज इट क्लियर और डिड आई गो टू फास्ट? अभी हम इसकी थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे, देन इट विल बिकम क्लियर। सो आर यू रेडी? पहले हम कॉमास के सारे यूजेस देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज कर लेते हैं। आर यू ओके विद इट? यस मैम। यस, सो लेट्स डू। यस, सो अब हम पंक्चुएशन पे आ रहे हैं, अब हम कॉमा के यूसेजेस पे आ रहे हैं। सो कॉमा पे लेट्स गो टू, यस कॉमा। तो सबसे पहले तो पंक्चुएशन इंपॉर्टेंट ही क्यों है, पंक्चुएशन क्यों करना चाहिए? तो यहाँ पे मैंने एक लाइन दिया आपको, व्हाट इज दिस, व्हाट इज नॉट, इज नॉट, इज नॉट, इज ये क्या है, ये लाइन में तो समझ में नहीं आ रही है। आप कोई मुझे पंक्चुएशन से बता सकता है कि ये क्या लिखा है? गिब्रिश। एनीबडी, डज दिस मेक एनी सेंस? व्हाट इज दिस, व्हाट इज नॉट, इज नॉट, इज इट नॉट? The comma, हाँ, the first व्हाट? comma will circle what is comma, is हाँ what is not, हाँ what is not comma, is not, and then after that ओके again is it not and then question mark. ओके ओके एनीबडी एल्स? यस हाँ व्हाट इज कॉमा देन कॉमा व्हाट इज नॉट कॉमा इज नॉट कॉमा इज इट नॉट क्वेश्चन मार्क. ओके दोनों ने बिल्कुल सही बोला, बट यहाँ पे बेचारा हमारा एक सेमी कोलन भी आ जाएगा कहीं। तो लेट्स, ओके क्योंकि व्हाट इज कॉमा इज के बाद सेमी कोलन, क्योंकि ये नेक्स्ट आइडिया आ गया राइट ना। मैम. यस 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 करेक्ट करेक्ट. आई मिस सो व्हाट दैट राइट. इज, रुक जाइए, व्हाट इज नॉट, इज नॉट, इज इट नॉट? ओके, सो खाली यस हमारे मैम. पंक्चुएशन मार्क से वो क्लैरिटी आ गई, सेमी कोलन। सो कैन यू सी द डिफरेंस बिटवीन द कॉमा एंड द सेमी यस कोलन, मैम. वेयर देर इज अ शिफ्ट यस इन द यस यस आइडिया, डेफिनेटली. हमारा यस राइट मैम सेमी राइट राइट. कोलन आ गया। सो लेट्स लुक एट इट अगेन, व्हाट इज सेमी कोलन, व्हाट इज कॉमा इज सेमी कोलन, व्हाट इज नॉट इज नॉट, इज इट नॉट? सो दिस इज व्हाट इट इज। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पंक्चुएशन, इट कैन कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म द मीनिंग।
सो सबसे पहले हमारे पंक्चुएशन के आ रहे हैं महारथी कॉमा, और कॉमा जो है वो ब्रेक बताते हैं बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस. सो दे मेक द मीनिंग. एंड एवरी टाइम वी हैव टू अंडरस्टैंड, जैसे हम कभी भी कोई भी चीज लर्न करते हैं, तो अगर हमें कोई मोबाइल का 10-digit नंबर दे देगा तो मेरे को तो याद ही नहीं होता है. आई कैन नॉट रिमेंबर दैट 10-digit नंबर इन वन गो. बट समबडी ब्रेक्स इट इनटू 3-3 कॉम्बिनेशंस ऑफ 3-3-3 एंड 3-3-4 एंड देन माय ब्रेन विल रजिस्टर दैट इंफॉर्मेशन. सो व्हाट हैज हैपेंड, ये चंकिंग हो गई है, ये ब्रेकिंग इनटू डिफरेंट स्मॉलर सेक्शंस, और फिर मुझे याद हो जाता है. तो सिमिलरली कॉमा भी क्या करता है कि एक सेंटेंस आपको बिना पंक्चुएशन के पढ़ना पड़े तो वी कैन नॉट मेक आउट हेड और टेल ऑफ इट. बट कॉमा छोटे छोटे ब्रेक कर देता है, और उन ब्रेक के कारण वी कैन रिटेन द इंफॉर्मेशन इन अ मोर लॉजिकल मैनर. तो ये कॉमा ऑलवेज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस हमें याद करना है कि ये जो पॉजेस होते हैं, कॉमा है, फुल स्टॉप है, सेमी कोलन है, इन सब का फंक्शन है पॉज. पॉज, रिफ्लेक्ट, अंडरस्टैंड एंड देन गो अहेड. तो इसलिए वो कॉमा का बड़ी महत्ता है. इतना हम इनको बहुत ही अनइम्पॉर्टेंट समझ लेते हैं, बट इनकी बड़ी इंपॉर्टेंस है. ये हमारे सेंटेंसेस गलत करवा देंगे अगर इनको सही जगह पे प्लेस नहीं किया गया तो. So that is the importance of a comma. So it shows the break between different parts of a sentence. Aur ye kahan break karte hain? Ye words ko break kar sakte hain, ye phrases ko break kar sakte hain, aur ye clauses ko break kar sakte hain. Aur jahan pe comma hai bhaiya, ruk jao, samjho. 2 second ka break aur phir aage badhiye. Semicolon aayenge to 3 second ka break. Aur full stop aayenge to 4 second ka break. तो ब्रेक इज इम्पॉर्टेंट. द कॉमा इज द स्मॉलेस्ट पॉज, देन सेमी कोलन एंड देन फुल स्टॉप. सो दैट इज व्हाट वी हैव टू कीप इन माइंड. एंड दैट यू विल सी, लाइक रितुजा, आई रिमेम्बर यू हैड शेयर्ड यस्टरडे दैट पंक्चुएशंस, बिकॉज व्हेन वी आर टॉकिंग हम बॉडी लैंग्वेज इतनी यूज करते हैं, पॉजेस में, मॉड्यूलेशन में और टोन में, बट राइटिंग में तो हमारी ये सब बॉडी लैंग्वेज नहीं आती ना. तो ये कॉमा हमारी बॉडी लैंग्वेज का, ये पंक्चुएशन हमारे वहां पे रेस्क्यू के लिए आते हैं टू कन्वे दिस मीनिंग. सो इन कंपाउंड सेंटेंसेस, तो कंपाउंड सेंटेंसेस तो हमें मालूम है कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस वाले जो सेंटेंसेस होते हैं, दे आर इन कंपाउंड सेंटेंसेस, और उनमें हम ये फैन बॉयज वाला यूज करते हैं. सो आई एम स्टार्टिंग, दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, बहुत सिंपल है. आपने डिफिकल्ट वाला, जो कॉम्प्लेक्सिटी वाला पोर्शन था, वो आपने कवर कर लिया. अब उसी का थोड़ा सा आगे, उसी के बारे में जल्दी जल्दी, ये सारी चीजें हैं विच आर रिलेटेड टू व्हाट वी लर्नड. सो आई एम गोइंग होम, I won't return, two independent clauses joined by a coordinating conjunction, तो उससे पहले comma आ गया. ये हमने अभी सीखा. He accepted my decision, but his acceptance had no effect on others. My decision है वो, so यहाँ पे भी comma. So again fanboy से पहले comma, that's important. ये भी हमने अभी सीखा, एक dependent clause आता है पहले, तो उससे पहले comma. ठीक है, दीज टू वी आर क्लियर विद. अब कॉमास इन अ लिस्ट, आर वी रेडी टू लर्न द फंक्शंस ऑफ कॉमा? पहले मैं, पहले सबको प्रिपेयर्डनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इफ आई जस्ट गो ऑन टॉकिंग एंड टॉकिंग एंड टॉकिंग एंड यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर लिसनिंग, देन इट विल जस्ट गो एज अ बाउंसर. So first I need the assurance from you that you are ready to learn about commas. So are you ready to learn about commas? Yes. Yes. Thank you. And we already know the usage of comma in two conditions. The first was when we are joining two independent clauses, and the second was when we are joining one independent and one dependent clause. Ye dono humne kar liye the. Ab iske baad wale karte hain. They are very, very simple. तो सबसे पहले लिस्ट में
ये तो हमने बचपन से ही सीखा है कि लिस्ट में जब नाम लिखने हैं, वेजिटेबल्स के नाम लिखने हैं, स्टूडेंट्स के नाम लिखने हैं, किसी के भी नाम लिखने हैं, कॉमा 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 कॉमा। अब लास्ट वाले में हम लिख देते हैं एंड, तो वो एंड से पहले भी कॉमा, दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट समथिंग न्यू विच वी हैव टू लर्न। सो लेट मी, यस गो देयर। सो इफ देर आर थ्री और मोर वर्ड्स इन अ लिस्ट, कॉमास हैव टू बी यूज्ड टू सेपरेट ईच वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, माई मदर, सिस्टर, ब्रदर इन लॉ एंड नेफ्यू विजिटेड मी, एंड से पहले भी कॉमा, ही प्लांटेड कैबेजेस, कैरेट्स एंड बीन्स, उससे पहले भी कॉमा। ये कॉमा की इम्पोर्टेंस है। आप अगर अगर आपने कॉमा नहीं लगाया, लेट्स सी व्हाट विल हैपन इफ वी डोंट पुट द कॉमा, तो हमारा क्या होगा? ही प्लांटेड कैबेजेस, कैरेट एंड बीन्स एक चीज हो जाएगी फिर। तो ऐसा लगेगा कैरेट एंड बीन्स कुछ समथिंग टुगेदर है, पर हमें तो कैरेट अलग करना है एंड बीन्स अलग करना है, तो उससे पहले कॉमा विल डिस्टिंग्विश दैट। सिमिलरली माई मदर, सिस्टर, ब्रदर इन लॉ एंड नेफ्यू, अगर मैंने कॉमा नहीं लगाया तो लगेगा ब्रदर इन लॉ एंड नेफ्यू, माने वो दोनों शायद सेम ही हैं, सो दे विल बी एम्बिग्विटी। सो दैट इज व्हाई इन द लिस्ट ऑल्सो बिफोर द एंड यू हैव टू मेक इट क्लियर दैट देयर इज अ कॉमा, बिकॉज इट सेपरेट्स, सो द आइडिया इज क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट है याद रखना। वैसे ही जैसे मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि सेंटेंसेस में, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू यू और वर्बली, स्लाइड में, मेरे पास इतना मैंने स्लाइड में नहीं लिखा है, बट आई जस्ट रिमेम्बर्ड कि हम जैसे मैंने आपको बताया कि एंड, अगर हम टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कर रहे हैं तो उससे पहले एंड में कॉमा आता है, बट दैट इज व्हेन देर आर टू सब्जेक्ट्स एंड टू वर्ब्स। आई जस्ट गो टू दिस स्लाइड। अगर आप दो चीजों को ज्वाइन कर रहे हैं, आई एम गोइंग होम एंड आई वोंट रिटर्न, तो इसमें दो सब्जेक्ट्स हैं और दो वर्ब्स हैं, तब तो एंड में कॉमा आएगा। पर अगर मैंने एक ही सब्जेक्ट किया, आई एम गोइंग होम एंड वोंट रिटर्न, तो कॉमा मत कीजिएगा, ओके? और अगर आपने बोला मैम, कुड यू प्लीज मतलब, रिपीट इट वंस अगेन मैम? या सपोज इफ आई से, देखिए दो कंडीशंस हो सकती हैं, आई एम लिसनिंग एंड आई एम राइटिंग, देयर विल बी अ कॉमा इन बिटवीन, क्योंकि आई एम लिसनिंग वन सब्जेक्ट, आई एम लिसनिंग में आई इज अ सब्जेक्ट, लिसनिंग इज अ वर्ब, आई एम राइटिंग, आई इज द सब्जेक्ट, आई एम राइटिंग इज द वर्ब, है ना? तो दो सब्जेक्ट्स हैं, दो वर्ब्स हैं, तो आप एक एंड में के पहले कॉमा लिखोगे। पर अगर आपने कंबाइन कर दिया, आई एम लिसनिंग एंड राइटिंग, नाउ व्हाट हैज हैपेंड, देयर इज वन सब्जेक्ट एंड टू वर्ब्स, तो टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस ही नहीं है ना ये, तो टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस नहीं है, तो इनके बीच में एंड में कॉमा नहीं लगेगा। ओके मैम, थैंक यू मैम। इज इट क्लियर? क्योंकि इंपॉर्टेंट यस चीज मैम, क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होने चाहिए, और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस तभी होंगे जब दो सब्जेक्ट, अलग अलग सब्जेक्ट वर्ब, अलग अलग सब्जेक्ट वर्ब है, नहीं तो हर जगह एंड से पहले कॉमा नहीं लगा देना है। दैट इज व्हाट माय पॉइंट इज, ओके मैम, थैंक यू मैम। है ना? इज दैट क्लियर? इफ यू आर राइट यस टॉकिंग अबाउट टू टू थिंग्स लाइक आई लाइक म्यूजिक एंड डांस, तो वहां पे कॉमा नहीं लगेगा। आई लाइक म्यूजिक, डांस एंड पेंटिंग, तो पेंटिंग से एंड पहले कॉमा लगेगा। ओके ओके देन यस मैम, ये हमने डिपेंडेंट क्लॉज वाला किया था, दिस वी हैव डन। यू
use a comma when the sentence begins with yes or no. Because why should we begin a comma? Why should we put a comma? Because no itself can be a sentence. तो आप इसको आगे बढ़ा रहे हो. No, I did not study enough to clear the exam. Yes, I did study. I studied enough to clear the exam. तो yes और no के पहले बाद में comma लगना जरूरी है. Then if you are addressing somebody, then you put a comma. Mom, I'm going to college. Hey, how are you doing? So introductory words, अगर आपके sentence से अलग हैं, yes, no, mom, hey, finally, तो ये सब चीजों introductory words से पहले आपको comma लगाना चाहिए if they are separate from the main clause. Always remember to separate the elements in a full date. That is the day, the month, day, year. ये मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है. They do not put commas. June 8, 2020 ऐसे ही लिख देंगे. Comma missing, which is completely wrong. So हमें इसमें बहुत clear होना चाहिए कि comma has to be there. Then if you're writing a state and city, so please make sure that you make the distinction between the two by putting the comma there. Aap quotes, quotation marks, agar ab aap hum karenge quotation marks abhi, to quotation marks mein pehle my mom said, comma, take this umbrella with you, full stop and inverted commas closed. पर अगर ये पहले आ गया, take this umbrella with you, comma, inverted commas के अंदर ही चला जाता है, said my mom. So it can be before or after quotes. अभी हम quotation marks, we are going to be doing in detail. So उसमें भी हम करेंगे, but this is just for introducing commas and speech marks. Then again, अगर आप कहीं पे अपना जैसे ये not तो हमारा वो हो गया ना nor, you are changing idea. तो अगर आप change idea कर रहे हो, negation ला रहे हो, तो please separate that with a comma. And a positive is something which is about the main subject, more information. So you can win a self-help book by Shiv Khera is a bestseller. Sorry, यहाँ पे bestseller के बाद they should have been a full stop. So now we have an exercise on comma. Are you ready for the exercise or shall I quickly revise the rules? आप exercise करेंगे तो you will be confident कि yes you have. You really know it, huh? Yes, we'll start with exercise, ma'am. Yes, I couldn't hear you, ma'am. We will start with exercise. Yes, we will start with exercise. And I'm sure it's going to be a complete cakewalk for each one of you. It's going to be very, very easy. So you can keep telling me the answers. Yes. Please tell me where should we use the commas? After colorful. After okay. Huge. Huge. After huge. Huge. Colorful. Colorful. Comma and beautiful. And yes. Beautiful. Then the next there should, one. Should there be a comma after beautiful? Should there be a comma after beautiful? The first thing before आप लिख लीजिए. अभी मैं इसके आंसर्स, आपके सारे आंसर्स नेक्स्ट स्लाइड में आने वाले हैं. सो यू जस्ट मेक नोट ऑफ व्हाट आंसर्स कुड बी. आप रनिंग अराउंड द हाउस द डॉग वाज अब्रप्टली स्टॉप्ड बाय अ फेंस. रनिंग अराउंड द हाउस कॉमा विल बी आफ्टर द हाउस. ओके. Running okay. around the house. Okay.
if the opposition should win, our candidate would never have any political future. If the opposition should win, comma, our candidate would never have any political future. Yes, okay. Next. Gracefully, comma, lightly. Gracefully, comma, lightly. Gracefully, comma, lightly, comma, and no. And daintily the dancer moved across the stage. Yes. Glamour, comma, the women, comma, the women's fashion magazine is very popular. Glamour, comma, the women's fashion magazine, comma, is very popular. Because glamour is the subject of the sentence. And the women's fashion magazine is the extra information about glamour. So that information should be in commas. Yes. Joe was born on May 7, 1955 and his best friend was this. So where should be after the comma? May 7, 1955 and his best friend was born. Exactly. July, comma, 1955, first stop. Okay, we will just see the answers. I'm not saying anything right now. Mr. and Mrs. Sharma, my parents' best friends sat in front of us at the football game. Mr. Sharma and after friends. My parents' best friends, comma. Then after best friends, comma. At football game. Take a last one. We cannot see, but it is India became a free country on 15th August 1947. So anyways, yes. So here are the answers. Huge, comma, colorful and beautiful. Bilkul correct. Jo aapne bola tha, around the house, absolutely correct. The second, third one also absolutely correct. Gracefully, lightly and daintily, absolutely correct. Magazine, correct. 1955, comma, and this. So all were absolutely correct, bang on answers. So does this make your understanding of commas a little clearer? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. 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 Okay. So now we come to semicolon. So this is all about comma. Now we are coming to semicolon. So semicolon hamare jo hai wo, that is also a pause or break. Aur dekhiye comma se kya ho jata hai ki hum padhenge isko agar hum aise padhte. Radhika selected a huge colorful and beautiful painting. Mujhe pata hi nahi hai rukna kahan hai. Running around the house, the dog was abruptly stopped by a fence. If the opposition should win, our candidate would never have any political future. Agar main aise padhungi to kisi ko samajh mein bhi nahi aayega what am I talking about. But if I read it like this, Radhika selected a huge, colorful and beautiful painting. So that makes more impact. Running around the house, the dog was abruptly stopped by a fence. So ye comma jo maine chunking kaha tha, ye bada important hota hai to understand what the writer is wanting to convey, what the speaker is wanting to convey. So inse pause aa gaya. अब वैसे ही सेमीकोलन से भी पॉज आएगा ब्रेक पर ये थोड़ा कॉमा से स्ट्रॉन्गर पॉज है. आई विल विजिट यू टुमारो वन इंडिपेंडेंट क्लॉज यू कैन गिव मी योर फाइनल डिसीजन देन सेकंड इंडिपेंडेंट क्लॉज अगर हम इनको यहां पर हमने सेमीकोलन कर दिया. आई विल विजिट यू टुमारो यू कैन गिव मी योर फाइनल डिसीजन देन सेमीकोलन ने काम कर दिया. अगर मैं सेमीकोलन नहीं लगाती यहाँ पे तो क्या होता. आई विल विजिट यू टुमारो कॉमा एंड यू कैन गिव मी योर फाइनल डिसीजन देन. सो शी रैन अलोंग द बीच द अदर्स फॉलोड हर. ये अगर ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आपने कॉमा से कर दिया और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं लगाया तो मिस्टेक है.
तो इसलिए ये याद रखना है. Difference between where comma should be used and where semicolon should be used, थोड़ा सा clear हुआ कि independent clauses के लिए क्या rule है. या तो आप semicolon से use कर सकते हैं, join कर सकते हैं, या फिर आप comma और coordinating conjunctions. So third is we also use a semicolon जो हमने आपको conjunctive adverb का बताया था. When they introduce a complete sentence, these words are generally followed by a comma. So however may semicolon, comma. Semicolon, however, comma. Semicolon, therefore, comma. In addition, semicolon पहले आएगा और फिर comma. तो ये हमारे conjunctive adverbs हैं. So let's see an exercise on this also. Choose whether a comma or a semicolon would be better to fill in each blank. He told me to wait. Comma. क्या आएगा यहाँ पे? Comma. Comma. Very correct. Okay. अभी हम इनके आंसर्स भी देखेंगे तो आप लोग अपना बिल्कुल बताइए कि व्हाट कुड बी द आंसर, व्हाट कैन बी द करेक्ट आंसर. दैट वाज त्रिशा. कॉमा कॉमा बिकॉज एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट त्रिशा. सेमीकोलन. ओके वेरी गुड. यस यस द गेस्ट व्हाट Because of the however, because the conjunctive adverb. Yes, yes. Bilkul, bilkul, absolutely correct. The guests were Tom, an architect, Rachel, a doctor, and Bill, a dentist. After architect, comma. After doctor, also comma. After comma. And Bill, a dentist. Tom, an architect, ke baad comma or semicolon. 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 Because idea change ho gaya. Tom an architect, Rachel a doctor, and Will a dentist. Semicolon bana jayega wahan pe. Theek hai. The guests were German. Comma. French comma. Comma. And Italian. French comma. And Italian. He didn't really laugh at them. He just smiled. Comma. Semicolon. Semicolon. यहाँ पे अगर आपने comma किया तो वो गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि two independent clauses हैं. So we have to use a and there is no conjunction. So we have to use a semicolon there. Semicolon. Okay. I like to read and I like to write as well. Semicolon. Comma. comma क्योंकि and हमारा coordinating conjunction है ना. Yeah. I like to read and I like to write as well. He traveled to Frankfurt, Germany, Paris, France, and Barcelona, Spain. Semicolon. 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 Comma. Comma. Semicolon. सेमीकोलन सेमीकोलन क्योंकि वो चेंज हो गया ना कंट्री सिटी चेंज हो गया तो सेमीकोलन आएगा बिकॉज अगर वही चलता रहता जैसे आई ट्रैवल्ड टू हाँ सेमीकोलन. अंडरस्टूड मैम. यस सो अगेन इज ट्रैवलिंग टू बैंगलोर कोमा Manila, comma, and Tokyo. He's traveling to Bangalore, comma, Manila, comma, and Tokyo. Or Bangalore, India, India, Manila ke beech mein? Semicolon. Semicolon. Philippines, Tokyo ke beech mein? Semicolon. 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 So Bangalore, comma, India, semicolon, Manila, comma, Philippines, semicolon, Tokyo, comma, Japan. Yes. The sandwich choices were paneer, cheese, lettuce, and tomato. Paneer, comma, cheese, paneer, comma,
lettuce, comma, and cheese. Tomato. Tomato, yes. Acha, next wala, the sandwich choices include tomato, paneer, and lettuce, cheese, cucumber, and lettuce, carrot, capsicum, and cheese. The sandwich choices include tomato, tomato, comma, paneer, and lettuce, then semicolon, cheese, comma, cucumber, comma, and lettuce, semicolon, carrot, carrot, capsicum, carrot, and cheese. Capsicum, and cheese. A carrot, comma, capsicum, and cheese. And cheese. So tomato, comma, paneer, comma, and lettuce, semicolon. Cheese, comma, cucumber, comma, and lettuce, semicolon. Carrot, comma, capsicum, comma, and cheese. Okay. The flags were blue, aqua, and purple. The flags were blue, comma, aqua, comma, and purple. Okay. The shirts were red, white, and blue, green, yellow, and white, purple, yellow, black. Red, comma, white, comma, and blue, semicolon. Green, okay. Comma, yellow. Green, comma, yellow, comma, and white, semicolon. Purple, comma, yellow, comma, and black. Yes, yes. Absolutely correct. Hello. Yes. एक बार रिपीट करो ना मैडम. तो ये ऐसे हमारे हिसाब से कॉमा कॉमा आना चाहिए थी. यहाँ पर सेमी कॉलम कैसे आ रहे? थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन. वो जो है ना कॉमा कॉमा आना चाहिए ऐसा मुझे लग रहा है. पर कुछ लोगों ने बताया कि उसमें सेमी कॉलम आता है. तो इसके बारे में जो एक्सप्लेनेशन है थोड़ा दीजिए ना. हाँ, तो जब भी हम कॉमा कॉमा करते हैं पर जहां पे आइडिया चेंज हो जाता है वो आइडिया का चेंज दर्शाने के लिए वहां पे हम सेमी कोलन कर रहे हैं. जैसे हमने कहा कि वो ब्रेक हर चीज तो पॉज ही दर्शा रहा है ना. तो जैसे अगर आप इसे पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे. पढ़ने में भी कभी कभी हमें ऐसे भी देखना चाहिए कि इसको कैसे पढ़ते समय हमें कैसा साउंड करेगा. तो अगर जैसे मैंने ये पढ़ा ही इज ट्रैवलिंग टू बैंगलोर मनीला एंड टोक्यो. तो बैंगलोर कॉमा मनीला कॉमा एंड टोक्यो. ही इज ट्रैवलिंग टू बैंगलोर इंडिया. अब मैं रुक जाऊंगी थोड़ी देर क्योंकि अगले को समझना चाहिए कि मनीला फिलीपींस अलग है. बैंगलोर इंडिया एक कंट्री हो गई. मनीला फिलीपींस अलग कंट्री हो गई और टोक्यो जापान अलग कंट्री हो गई. तो मेरे पॉजेस वहां पे थोड़े ज्यादा हो जाएंगे. तो ही इज ट्रैवलिंग टू बैंगलोर इंडिया मनीला फिलीपींस टोक्यो जापान. तो जहां जहां पे मेरा स्ट्रॉन्गर पॉज आ रहा है वहां पे मुझे सेमी कोलन करना है और जहां पे मेरा लेस पॉज आ रहा है वहां पे मुझे कॉमा करना है. क्योंकि जो भी मैं बोलूंगी उसका तात्पर्य ये होना चाहिए कि अगले वाले को वो इंफॉर्मेशन एसिमिलेशन हो रहा है कि नहीं. अगर मैं ऐसे बोलूं इज ट्रैवलिंग टू बैंगलोर इंडिया मनीला फिलीपींस टोक्यो जापान, अब किसी को नहीं पता कि ये अलग अलग कंट्रीज हैं तो उन्हें लगेगा कि अरे ये पता नहीं कहाँ कहाँ कौन कौन सी जगह है. तो इसलिए हम लिस्नर को अपनी भाषा अच्छे से अपना थॉट प्रोसेस अच्छे से समझाने के लिए इन पंक्चुएशंस का यूज करते हैं. अब जैसे सैंडविच चॉइसेस वो पनीर चॉइस सैंडविच था, चीज सैंडविच था, लेटस सैंडविच था और टोमेटो सैंडविच था. इसका मतलब हुआ कि चार तरह के सैंडविचेस वहां पे मिल रहे थे. दूसरे वाले में द सैंडविच चॉइसेस इंक्लूड टोमेटो पनीर एंड लेटस. रुक जाइए, दिस इज वन सैंडविच. चीज क्यूकम्बर एंड लेटस. रुक जाइए, सेकेंड टाइप है ये. अब थर्ड टाइप आ रहा है कैरेट कैप्सिकम एंड चीज. तो इसलिए जहां जहां पॉजेस हैं सेमी कोलन आप देखेंगे कि वो ऑटोमेटिकली फॉल इन टू दैट पैटर्न. सो द शर्ट्स ब्लैक ब्लैक ब्लू एक्वा एंड पर्पल में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है. रेड व्हाइट एंड ब्लू. अब अगर मैं ऐसे बोल दूं रेड व्हाइट एंड ब्लू ग्रीन येलो एंड व्हाइट पर्पल येलो ब्लैक,
तो क्योंकि मैंने कॉमा भी नहीं देखे, या मैं ऐसे बोलूं द शर्ट्स वर रेड व्हाइट एंड ब्लू ग्रीन येलो एंड व्हाइट पर्पल येलो ब्लैक, तो क्लैरिटी नहीं आएगी उतनी. पर अगर मैंने बोला रेड व्हाइट एंड ब्लू ग्रीन येलो एंड व्हाइट पर्पल येलो ब्लैक, तो सुनने वाला भी उस हिसाब से उसको समझेगा बेटर. तो इसलिए डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉमा एंड सेमी कोलन इज इम्पोर्टेंट टू फॉलो एंड अंडरस्टैंड एंड पुट इनटू प्रैक्टिस, बिकॉज इट विल हेल्प अस मेक एक्सप्रेस आर सेल्फ्स बेटर. सो सर आपका क्या जो डाउट था वो क्लियर, मतलब उसमें कुछ और मेरे को उस पर क्लियर करना है? हाँ, के बारे में ना जो येलो ऑरेंज कलर है पर्पल है ना, वहाँ थोड़ा सा डाउट है. वो तो, वो भी तो कलर है मैडम, सभी तो कलर है ना. वो शर्ट के बारे में आपने बताया एग्जांपल देके, उसमें कलर्स का इंडिकेट हो रहा ना, तो सभी तो कलर है मैडम, वहाँ सेमी कलर कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल, तो एक कलर का कल, एक शर्ट का कलर कॉम्बिनेशन ये क्या बता रहा है? ये कलर कॉम्बिनेशन बता रहा है ना, तो ये बता रहा है कि एक कलर में, एक शर्ट में ये कलर्स हैं, एक शर्ट में ये कलर्स हैं. तो द शर्ट्स वर, जैसे एक कलर, एक शर्ट रेड व्हाइट और ब्लू है, ये तीनों कलर्स एक शर्ट में हैं. ओके मैम. फिर दूसरी शर्ट में क्या कॉम्बिनेशन है? ग्रीन येलो एंड व्हाइट. ओके मैम. और तीसरी शर्ट में है पर्पल येलो ब्लैक. तो एक ये नहीं बता रहा है कि शर्ट्स वर रेड व्हाइट, अगर एंड नहीं होता बीच में तो हम बोलते द शर्ट्स वर रेड व्हाइट ब्लू ग्रीन येलो व्हाइट पर्पल येलो ब्लैक. तो मतलब ये सारे कलर्स में शर्ट वो सारे सॉलिड कलर्स थे, पर क्योंकि रेड व्हाइट एंड ब्लू स्पेसिफाई किया, मैंने मेरी एक शर्ट रेड व्हाइट और ब्लू कलर की है, दूसरी शर्ट ग्रीन येलो और व्हाइट कलर की है, तीसरी शर्ट पर्पल येलो ब्लैक कलर की, एंड सेमी कोलन विल एक्सप्लेन दैट. ओके मैम, थैंक यू. यस, ओके, थैंक यू सो मच, आपने ये क्वेश्चन पूछा. अब हम कोलन पे आते हैं. तो कोलन के हमारे ये तो सारे प्रोफेसर सब, हम लोग जब वो क्वेश्चंस देते हैं एग्जाम में, एक्सप्लेन द फॉलोइंग और उसके बाद कोलन, तो वो जो लिस्ट होती है, ब्रिंग द फॉलोइंग आइटम्स या एक्सप्लेन द फॉलोइंग और डिफाइन द फॉलोइंग, तो उसके बाद ये हमारे कोलन आते हैं वहां पे हमारी रेस्क्यू के लिए. तो हमेशा लिस्ट के लिए, फिर आवर और मिनट के लिए, 7:30 AM Between two independent clauses, जब second वाला पहले को बता रहा है, तब आप इसको colon से बता सकते हैं. जैसे the sign in the hospital said, colon maintain silence. तो maintain silence, तो maintain silence, इन दोनों के बीच में आप colon लगा सकते हो, ठीक है? और जैसे अगर हम किसी चीज के लिए बहुत लंबा चौड़ा नाम देके और फिर उस चीज का नाम लिख रहे हैं, तो जैसे द रिएक्शन ऑफ द ऑडियंस सिग्नल्ड वन ओवरवेलमिंग फीलिंग, एंड व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट फीलिंग? इट वाज फियर. तो आपने कोलन में वो डिफाइन कर दिया, तो ये यहाँ पे कोलन आएगा, ठीक है? तो अभी हम इस पे भी एक्सरसाइज करते हैं. तो इन तीनों ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन सही है, ये आपको मुझे बताना है. कहीं पे कॉमा है, कहीं पे सेमी कोलन है, कहीं पे कोलन है, आप मुझे बताइए विच इज द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट इज बी, ऑप्शन बी करेक्ट. You asked for forgiveness, he granted it to you. Absolutely correct. Khali ek semicolon se wahan pe kaam ho gaya. Very good. Yes, the second one. A. Second is A. Which one? C. The order was A. A. Therefore, se pehle semicolon aana chahiye na? Yes, ma'am.
Yes. So A is the correct answer. Yes. Third is B. B. Okay. अगर आपने वो रेड को कैपिटल कर दिया, डी वाला भी सही है क्योंकि रेड व्हाइट इसको कैपिटल करने की जरूरत नहीं है. अगर वहां पे इंडिपेंडेंट क्लॉज होता तो हम उसको कैपिटल करते, बट वो तो खाली लिस्ट चल रही है ना, तो लिस्ट को कैपिटल करने की जरूरत नहीं है. ठीक है. इधर हमने पीछे देखा था ना, ये जो द रिएक्शन ऑफ द ऑडियंस सिग्नल्ड वन फीलिंग फियर, तो ये कैपिटल करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे भी इसको रेड व्हाइट एंड ब्लू को कैपिटल करने की जरूरत नहीं है. पर अगर होता लाइक आई सेड द साइन इन द हॉस्पिटल सेड मेंटेन साइलेंस, तो अगर इंडिपेंडेंट क्लॉज है तो फिर उसको कैपिटल करना पड़ता है, लिस्ट को कैपिटल करने की जरूरत नहीं. ठीक है. आर वी क्लियर ऑन दिस? ओके, लेट्स डू दिस. The orchestra excluding the violin section was not up to par. Option B is correct. Option B, okay. B, ma'am. B. Maya B. For the second one, ma'am, D is correct. D. Yes. Yes. The second one, D is correct. The first one, which is correct? So, ismay, the orchestra is excluding the violin section was not up to par. अब इसमें अगर मैं खाली बोलूं दी ऑर्केस्ट्रा वाज नॉट अप टू पार, माने वाज नॉट अप टू एक्सपेक्टेशंस, तो क्या ये गलत सेंटेंस है? सही सेंटेंस है. मतलब एक्सक्लूडिंग द वायलिन सेक्शन इज द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन. सो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन किस में होनी चाहिए? कॉमास में होनी चाहिए ना. तो कॉमा में कहां है? फर्स्ट में है और फोर्थ में है, पर फोर्थ में वॉज के बाद एक कोलन दे दिया गया, विच इज नॉट इम्पोर्टेंट. सो द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. ओके, इसमें सेमी कोलन का तो कोई जरूरत ही नहीं है. द ऑर्केस्ट्रा वॉज नॉट अप टू पार, द ऑर्केस्ट्रा एक्सक्लूडिंग द वायलिन सेक्शन इज द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन. ओके, the next one, A, I need a few items at the store. B. C. C is the correct option because it's a list. I answered the phone, but no one seemed to be on the other end of the line. C. C is the correct option, coordinating conjunction and a comma before that. Yes. Fanboys. Fanboys, absolutely correct. Absolutely correct. So this was all about semicolon, colon, and comma. So are we clear with semicolon, comma, and colon? Thoda sa clarity. Ma'am, colon ke baare mein fir se bataiye please. Acha, theek hai na. कोलन के बहुत ज्यादा यूसेजेस नहीं है. कोलन मैंने जैसे बताया वो लिस्ट के लिए यूज होता है, वो टाइम दर्शाने के लिए, जब हम 7:30 लिखते हैं तो बीच में जो हमारा पंक्चुएशन मार्क है दैट्स कोलन. और वो यूज होता है दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करने के लिए, जब दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज पहले वाले के बारे में कुछ बता रहा है. जैसे The sign at the beach said, colon, do not swim. तो अब मैं कैसे इसको ज्वाइन करूंगी? The sign at the beach said, full stop, do not swim, तो नहीं क्लियर होगा. The sign at the beach said that, do not swim, तो भी it is not easy. तो मैं इसको easily कर सकती हूँ कि said करके मैंने colon कर दिया.
और डू नॉट स्विम हमारा दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज है, उसको हम कैपिटल से डी शुरू करके बस हमारे सेंटेंसेस ज्वाइन हो गए. तो तीसरा यूसेज है जब हम किसी चीज को, जैसे द चिल्ड्रन एक्सपीरियंस्ड वन फीलिंग थ्रू आउट देयर प्रिपरेशन कोलन, व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट फीलिंग, नर्वसनेस. तो अब मैं या तो पहले ही कर दूं कि द चिल्ड्रन एक्सपीरियंस्ड नर्वसनेस थ्रू आउट देयर प्रिपरेशन, या मैं इसको थोड़ा और अपने तरीके से क्रिएटिव बनाने के लिए ऐसे कर सकती हूँ कि द चिल्ड्रन एक्सपीरियंस्ड वन फीलिंग थ्रू आउट देयर प्रिपरेशन कोलन नर्वसनेस. तो मैंने नर्वसनेस इसी फीलिंग को नाम दिया है, इसलिए आई कैन स्पेसिफाई इट विथ जस्ट यू नो कोलन रखा, और मतलब ये इसी का नाम है जो ओवरवेलमिंग फीलिंग है. सो आई विल जस्ट रिपीट कोलन, आप इसको फिर से पढ़ लीजिए. यस, टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट ब्रिंग द फॉलोइंग आइटम्स, सो सोप शैम्पू ब्रश between hour and minute 7:30 a.m. between two independent clauses when the second one explains or expands the first. So this is the example. And before a formal a positive jahan bhi aayega, matlab कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी जा रही है या उसी जो पहले मेंशन किया हुआ है उसी के बारे में कुछ बताया जा रहा है, तो द रिएक्शन ऑफ द ऑडियंस. अब रिएक्शन ऑफ द ऑडियंस एक फीलिंग थी, और उस फीलिंग का क्या नाम था, कोलन में बता दिया गया, फियर. सो दैट इज व्हाट, इतने ही है कोलन का भी आपको, और इससे ज्यादा चार यूसेज ही. सभी को पता है फुल स्टॉप के यूसेजेस क्या होते हैं, बट इसको दी अदर नेम फॉर फुल स्टॉप इज पीरियड. अमेरिकन इंग्लिश में इसको पीरियड बोला जाता है, और फुल स्टॉप हमने क्योंकि शुरू से ब्रिटिश इंग्लिश करी है तो हम फुल स्टॉप बोलते हैं. सो हमेशा ये सेंटेंस के एंड में आता है, और ये सबसे लॉन्ग पॉज है. सो सबसे, जैसे हमने कहा था कि अगर फुल स्टॉप है मतलब ज्यादा देर के लिए रुकिए, फिर सेमी कोलन के लिए उससे कम देर, और कॉमा के लिए सबसे कम. सो इट इंडिकेट्स दैट अ पॉइंट हैज बीन मेड एंड यू आर अबाउट टू मूव ऑन फर्दर. आई एम गोइंग टू द मार्केट, मैंने अपना एक सेंटेंस बता दिया. डू यू थिंक आई शुड ब्रिंग समथिंग फॉर यू, ये मेरा सेंटेंस. और ये फुल स्टॉप से तो मैं हमेशा, इससे हमारी पिचिंग, हमारा मॉड्यूलेशन, हमारा वॉइस का थ्रो, ये सब इन पंक्चुएशंस के इर्द गिर्द घूमता रहता है. तो व्हेनेवर देयर इज अ फुल स्टॉप दैट मींस द सेंटेंस इज कमिंग टू एन एंड एंड माय वॉइस यूजुअली विल फॉल डाउन, द पिच विल गो डाउन बिकॉज यू आर क्लोजिंग देयर. And then you start on a high pitch, and then when there's a full stop, you again close. Your pitch changes. इससे क्या होता है? Listener सुनने के लिए तैयार होता है, क्योंकि pitch की variation से हमें ये पता चल जाता है कि okay, now I should be ready to grab the next idea. क्योंकि अगर वो readiness नहीं होगी तो मैं कितना भी बोलती रहूँगी, listener सुनेंगे ही नहीं. So that is why these punctuation marks are very important. So full stops ke aur kya ka kaam hai? Ye abbreviation ke liye use hota hai, decimal point ke liye use hota hai, bas zyada to inke usages hai nahi, bas yahi hai. Abbreviation mein, jaise AM mein dekh lijiye, aur decimal point jaise 10.43 kg. ओके, सो अभी आपका कुछ भी ज्यादा जो आने वाले हैं वो उसमें ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, एक्सेप्ट अपोस्ट्रोफी. अपोस्ट्रोफी का यूसेज बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैंने देखा है, लोगों ने कर दिया है. इट इज नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड, बट उसकी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई है, और बहुत सारे
मिस नोशंस हो गए, मतलब जो सही चीज है उसको ना सीख के कहीं हमने उसका कुछ गलत वर्जन सीख लिया है, सो दैट बिकम्स अ लिटिल चैलेंजिंग. बट अपोस्ट्रोफी है हमारा, सारे ये पंक्चुएशन मार्क्स हैं, सो फुल स्टॉप इज वेरी वेरी इजी. एंड क्वेश्चन मार्क इज वेरी इजी, फुल स्टॉप. क्वेश्चन मार्क में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, एक डायरेक्ट क्वेश्चन है. यस इवैल्यूएशन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे होगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे होगा, कैसे अपन पहले अपने को पता था, मुझे वो नहीं पता चल रहा है. हेलो कुड यू प्लीज म्यूट. यस सो क्वेश्चन मार्क में आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है, और अगर क्वेश्चन टैग है isn't it, aren't we, won't we, don't they, तो वहां पे भी आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है. अगर आप रिपोर्टिंग स्पीच डायरेक्ट स्पीच की बात करते हैं और उसको आपने इनडायरेक्ट में चेंज कर दिया तो क्वेश्चन मार्क को हटा दीजिए, वो फुल स्टॉप से चेंज हो जाता है. सो क्वेश्चन मार्क के बस यही चीजें हैं, ज्यादा आपको उसमें दो तीन दो पॉइंट्स है बस. एक्सक्लेमेशन मार्क, कैन समबडी टेल मी व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क? एक्सक्लेमेशन मार्क का क्या फंक्शन है और क्या यूज है और क्यों इसका इसके it पास क्या इट गिव्स एन एक्सप्रेशन व्हेन यू सेइंग इट्स लाइक ओ गॉड यू नो द टोन सरप्राइज. Yeah. Absolutely, absolutely. Suppose if I say how happy am I to see you, तो अगर मैंने ऐसे full stop से भी मैं उसको बंद कर सकती हूँ और मैं उसको exclamation से भी कर सकती हूँ. How wonderful. तो whenever we put the exclamation marks, it shows an intense feeling. It shows intense surprise or shock or happiness or joy or so anything with that exclamation marks, I think just multiplies the intensity of the emotion that we are wanting to express. So that is why it is very, very important. Halanki in your academic writing, you will not be using much of exclamation marks, but then still for our general knowledge, we should know. So when I say, if I say, oh, wow, how happy, how wonderful, so like I said, how sad, so how sad ke baad aap agar full stop bhi laga denge to koi galat nahi ho jayega, but agar aapne exclamation laga diya to aapki intensity of sadness is much more. So that is what it does, the exclamation mark. And then we come to apostrophe, what I was talking about. So apostrophe is, there are two kinds of apostrophe. Can anybody, we will quickly do this, Vaisabhi, we are coming to the close of the session for today. So, shall we do apostrophe now? Or do you all want 5 minutes break or something? No, ma'am. We can continue with. We can continue. So apostrophe is very, very interesting. I find it that little punctuation mark can drastically change the meaning of the words and sentences. So according to you, what is the function of apostrophe? To show belongingness. Yes, yes, absolutely. Huh? Madam, we can quote anybody saying. We can quote anybody saying. किसी का हम जिसने जो बोला है वो हम उसको बता सकते हैं अपोस्ट्रोफी के द्वारा. यस मैडम. वो हम बता सकते हैं कोटेशन मार्क्स के द्वारा. हाँ, इसके दो यूसेज हैं. पजेशन आपने बोला, एक है पजेसिव फोटो. Ma'am, one more use of apostrophe would be, you know, so for example, in a sentence, we want to say some specific thing, we want to get our attention to, वहाँ पे आ सकता है.
जहाँ पे कोई वर्ड हम डिलीट करते हैं दैट टाइम मे बी दैट टाइम आल्सो वी आर यूजिंग एपोस्ट्रोफी इट मे बी यूज्ड टू कनेक्ट द सब्जेक्ट एंड वर्ब यस मैम आई थिंक यू आर म्यूट योर माइक्स म्यूटेड एक्सक्यूज मी मैम Can others hear what she is saying? No, we can't hear. No, we are not able to hear. I have just. Okay, so her mic is off. Yeah, I have just left her a chat. Ma'am, you are not audible. Ma'am, we are not able to hear you. मैम आवाज नहीं आ रही है
दिव्या मैम आप म्यूट पे है, आई थिंक यू आर ऑन म्यूट, वी आर अनेबल टू हियर यू. Time 7 o'clock, so there is the apostrophe. A little apostrophe is there to show time, always remember. Otherwise, if you write it without the apostrophe, it'll become 7:00. So, or I mean, it'll not be understood. But, and to show please possession, please share the PPT. Oh, sorry, yes, I think I just took it without. Checking that I'll just share. Okay, now is the PPT showing? Is yes, can you ma'am. See the screen? Yes, ma'am. Screen yes, okay. Is also visible yes, and audio is also clear. Audio is also okay. So we can see the two forms of apostrophe, the contraction apostrophe and the possessive apostrophe, right? So shall I move on to the next slide? When a letter is omitted, so you can see we are, the apostrophe is there to shorten the word. And again, like I said, 7 o'clock, the apostrophe is there. A ship's captain. So the captain of the ship, so again the apostrophe, a doctor's clinic, the clinic of the doctor, again it shows the possession. So the professor's book, so the book belonging to the professor. The college's function, so the function of the college. So ab hota kya hai ki because with the apostrophe, S also comes. S is the friend which tags along with apostrophe. But apostrophe bade haughty hain, ye bade high and mighty hain. Wo unko kabhi S chahiye, kabhi unko S nahin chahiye. Ye king hai. Aur S jo hain, wo unke minister hai. To kabhi apostrophe bolte hain ki S hazir ho, kabhi wo bolte hain S jao wapas. To isliye hame hamesha ye dhyan rakhna chahiye ki bhaiya hamare apostrophe kab inko s chahiye kab inko s nahi chahiye kyunki iske karan hamari badi gadbade ho jati hai. Apostrophe akele bhi sufficient hai aur s ke sath kahin kahin aayenge to ship's captain mein aapne dekha apostrophe s aaya. Doctor's cleaning mein क्लिनिक में अपोस्ट्रोफी एस आया. अब ये तो शब्द हैं, कभी कभी सिंगल लेटर्स होते हैं जैसे ए, जैसे बी, जैसे सी, तो सिंगल लेटर्स को भी आपको प्लूरल दिखाना है तो वहां पे अपोस्ट्रोफी अपनी सेना के साथ आएंगे, प्रधानमंत्री के साथ आएंगे और ये यहाँ पर इन्होंने एस के साथ प्लूरल बना दिया इनको. 54567 में 54567 में 2 5s हैं, प्लूरल हो गया तो एपोस्ट्रोफी और एस आ गया. 3 A's इन अहमदाबाद, ये भी प्लूरल हो गया तो एपोस्ट्रोफी और एस आ गया. अब ये कंफ्यूजन होता है कहाँ एस आएगा और कहाँ एस नहीं आएगा, तो ये एपोस्ट्रोफी का सारा कंफ्यूजन इसी पे है. So let us see. Do you want to understand this? कहाँ S, कहाँ S नहीं? Hello? Yes, madam. Yes. So ये हमारे जो राजा apostrophe हैं, ये बहुत इनके conditions हैं भाई, ये ऐसे छोटे मोटे नहीं है apostrophe, ये बहुत बहुत इनकी महत्ता बहुत ज्यादा है क्योंकि ये बहुत शब्दों को बिगाड़ देते हैं अगर इनको सही ठीक ढंग से यूज नहीं किया गया. तो अगर ये सिंगुलर नाउन में आ रहे हैं तो ये एस से पहले आएंगे. तो आप गर्ल एपोस्ट्रोफी एस लगाइए, मतलब ये सिंगल गर्ल के बारे में बात कर रहे हैं, इसमें तो एस है ही नहीं तो एपोस्ट्रोफी एस के साथ आ गए. अब गर्ल्स कॉलेज में ऑलरेडी एस है तो हमारे एपोस्ट्रोफी ने कहा बस खाली हम जाएंगे, एस तुम घर पे रहो.
तो वो फिर एक्स्ट्रा एस नहीं लगाएंगे आप. गर्ल्स कॉलेज मने प्लूरल गर्ल्स कॉलेज की बात कर रहे हैं. पर कभी कभी प्लूरल ऐसे भी होते हैं जिनमें प्लूरल है पर एस नहीं है, जैसे चिल्ड्रन. अब चिल्ड्रन तो ऑलरेडी प्लूरल है पर इसमें आपको एपोस्ट्रोफी लगाना है, तो वो बोलेंगे एस हाजिर हो, तो एस हाजिर हो जाते हैं और यहां पर एस लग गए. और कभी कभी शब्द हमारा सिंगुलर है पर एस से एंड हो रहा है, तो चार्ल्स. अब चार्ल्स में ऑलरेडी एस है तो एपोस्ट्रोफी बोलेंगे खाली हम अकेले जाएंगे, एस तुम घर पे रहो. तो एस कभी आते हैं कभी जाते हैं. तो ये जो एस का आना जाना है ना, ये बड़ा थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ता है. तो हम तो इसको ऐसे ध्यान में रखते हैं कि जहां पर ऑलरेडी एस है वहां पे मुझे एक्स्ट्रा नहीं लगाना है, और जहां पे नहीं है वहां पे अपोस्ट्रोफी और एस आ जाता है. तो दैट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. बिकॉज अगर मैंने जैसे पीपल, पीपल इज ऑलरेडी प्लूरल, और अगर मैं बोलूं पीपल्स पार्क, तो अब मैं पीपल को पीपल्स अगर बना रही हूं तो वो तो इनकरेक्ट है. तो इसका मतलब क्या मिसिंग है? अपोस्ट्रोफी इज मिसिंग. देयर हैज टू बी एन अपोस्ट्रोफी व्हिच विल शो दैट दिस पार्क इज फॉर पीपल. इफ आई से वुमेन्स हैंडबैग्स, तो वुमेन्स हैंडबैग्स माने वुमेन ऑलरेडी प्लूरल है और मैंने वुमेन्स बोल दिया, तो मतलब अपोस्ट्रोफी चाहिए वहां पे, क्योंकि हैंडबैग्स बिलोंगिंग टू वुमेन. सो दैट इज व्हाई व्हेन वी सेलिब्रेट चिल्ड्रंस डे, तो चिल्ड्रंस डे माने चिल्ड्रन अपोस्ट्रोफी एस डे, क्योंकि चिल्ड्रन इज ऑलरेडी प्लूरल, तो उसको मैं चिल्ड्रंस करके प्लूरल थोड़ी बना सकती हूँ. द अपोस्ट्रोफी इज मिसिंग देयर. वैसे ही टीचर्स डे, तो टीचर्स डे में दिस डे इज फॉर ऑल द टीचर्स, सो टीचर्स अपोस्ट्रोफी डे. बट मदर्स डे आता है तो मतलब माँ का दिन, तो मदर तो एक माँ है. मैं, माय मॉम इज स्पेशल टू मी, एवरीवन्स मॉम इज स्पेशल, सो मदर सिंग अपोस्ट्रोफी एस आएगा. तो ये जो एस है इसका थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना चाहिए. सो इज इट क्लियर? ये हमारे जो अपोस्ट्रोफी हैं और इनके जो असिस्टेंट हैं एस, ये बहुत कंफ्यूजन कर देते हैं. सो आई होप वी विल रिमेम्बर वेर एवर देर इज एस ऑलरेडी इन द वर्ड, खाली अपोस्ट्रोफी लगाइए. और अगर शब्द में एस नहीं है तो फिर एस हाजिर होते हैं, अदरवाइज एस हाजिर नहीं होते. ये हमें याद रखना है. एम आई ऑडिबल? यस मैडम. ओके ओके. सो और दूसरा एपोस्ट्रोफी का इम्पोर्टेंट रूल है इट्स और इट इज के बीच का डिफरेंस. सो जस्ट अ मिनट, आई जस्ट शेयर द स्क्रीन. इट्स और इट इज में क्या फर्क है? तो इट्स इज अ प्रोनाउन. जैसे हम हिज, दिस इज हिज बुक, दिस इज हर बैग, तो वैसे ही इट्स ऑल्सो शोज प्रोनाउन, एंड वो भी एक पजेसिव प्रोनाउन का ही काम करता है. तो द कैट हर्ट इट्स लेग, और इट हमें पता है कि हम एनिमल्स के साथ यूज करते हैं, तो अगर हमें एनिमल्स के ही कुछ उनका पजेशन दिखाना होगा तो वहां पे इट्स कर सकते हैं. तो द कैट हर्ट्स इट्स लेग माने कैट ने अपने पैर को चोट लगा दिया. और दूसरा इट्स जो है ये तो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म हो गया, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी आ गया, दैट इज द कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म. सो इट इज का ये शॉर्ट फॉर्म है, विच मीन्स कि हम उसको इट इज रेनिंग, इट इज गेटिंग लेट, इट इज इंटरेस्टिंग, इट्स सो डिफिकल्ट, तो वहां पे इट इज आता है. और जो पहला वाला इट्स है वो प्रोनाउन है. तो कितनी बार हम यहाँ पे अपोस्ट्रोफी में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, दैट इज व्हाई आई थॉट आई वुड जस्ट शेयर दिस. रिमेम्बर अपोस्ट्रोफी से प्लूरल नहीं बनाने हैं. आई हैव रेड मेनी बुक्स करेंगे तो ये गलत है,
आई हैव रेड मेनी बुक्स, क्योंकि यहाँ पे पजेशन का कोई मतलब ही नहीं है बुक्स पे ना, तो उसको हमें अपोस्ट्रोफी लगाने की जरूरत ही नहीं है. सो पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. लेट्स डू दिस क्विकली, दिस एक्सरसाइज, बिकॉज आई थिंक वी आर ऑलरेडी. यस लेट्स डू दिस. पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद अपोस्ट्रोफीज अकॉर्डिंग टू द रूल्स फॉर यूजिंग द अपोस्ट्रोफी. सो कैन यू क्विकली डू दिस? Who apostrophe s, the party apostrophe s candidate for vice president this year. So parties mein kaha aayega apostrophe? Before the s. Before s, absolutely before s. The fox had its right foreleg caught securely in the trap's jaws. Apostrophe will be in traps, TRAP apostrophe S. Absolutely correct. Yes. Because its is the pronoun used for fox. Absolutely. Bilkul, bilkul. Absolutely correct. Neighbor's car. Our neighbor's car. After R. After R, absolutely, yes. Or? It apostrophe S in the same sentence. It is just about to fall apart. Yes, very good. Next. In weeks, that is after the S. In 3 weeks' time, the apostrophe will come after the S. No, I think I should be after V and okay. Before double N. We will have to begin right. I think weeks mein nahi aayega, because ye to plural hai na, weeks ka, plural. Right. Yes. So we cannot use the apostrophe there. We will have to begin writing. So we or L ke beech mein aayega. Yes. Next. Didn't after N. Didn't D? N. N apostrophe T. They are leaving tomorrow. Yes. Whenever I think of the stories I read as a child, I remember Cinderella's glass slipper and Snow White's wicked stepmother. After Cinderella. After the A apostrophe after S. A. And Snow White also. After A, before S. And Snow White. White and then apostrophe S. White. Apostrophe S. Bilkul, absolutely correct. So, these are the answers. Who is the party's candidate for vice president this year? For traps, jaws, neighbors, car, we will, they didn't, and they are. Cinderella's glass slipper and Snow White's wicked stepmother. So this is about apostrophe. So thank you so much. If you have any questions, we can just take the questions for 5 minutes, 7 minutes, or whatever we did. Is it clear? Ma'am, it is clear. Apostrophe. So right from the beginning, we started with comma. We started with coherence, cohesion, then joining clauses, phrases, then dependent clauses, then joining clauses, then comma, then semicolon. So I will just quickly do the revision, and then I think okay, so we will quickly run through this so that we just retain everything that we have done here. This was the sample, this was the corrected sample, then what the phrase is,
what are the examples of phrases, then clauses, then examples of clauses, then types of clauses, then dependent clause, independent clause, phrases, modifiers, misplaced modifiers, answers. Then we did conjunctions, coordinating conjunctions. Do you remember? Fun words. Remember the coordinating conjunctions? Fun words. Yes. So what are those seven conjunctions? For, and nor, but, or, yet, and so. These are the coordinating. Yes. Then coordinating conjunctions, then we also did correlative conjunctions. What are correlative conjunctions? Where two conjunctions come together. So either or. Whether or, not only, but also. But also, yes, all those. So these are all correlative conjunctions. So either or, not only, but also, neither nor, both and, whether, all these. So then we did subordinating conjunctions, the different functions. There are many subordinating conjunctions. Then we did the most important conjunctive adverbs. They are, the acronym for them is THAMO, THAMO. Therefore, however, also, moreover, otherwise. Meanwhile is also very important because that shows the timeline. So, fir humne iske wo kiye, there are more conjunctive adverbs which are very, very important for academic writing. Then how to join the clauses. So there are three ways in which we can join independent clauses and two ways in which we can join the dependent clauses. Then we come to punctuation. And then we did comma. Then understanding clauses, joining clauses and all the usage of comma. Then semicolon. How to use the semicolon, difference between the usage of semicolon and comma. Then colon, and then the exercise, then full stop, question mark, exclamation mark, and apostrophe. So that is what we have done for today. Tomorrow we have many more interesting books. That's my day three. Yes. So many, many more interesting topics for tomorrow. So any questions, sharing of thoughts, you can do that. Wonderful session, ma'am. Very nice. Okay. Enjoyed. Almost come to the I also session, enjoyed yes. a lot. Madam, we enjoy your session very thoroughly and you pour yourself into what you are doing amazingly. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Ma'am, thank you so much. The way you deliver the lectures and your voice quality is superb. We feel engaged and because ma'am, the explanation given by you is very apt. Yeah. We understand it very thoroughly. It's an amazing, ma'am, experience learning with you, ma'am. Really, ma'am, amazing experience. Thank you so much. I mean, it's so positive One more thing, madam. I mean, the best part in your lecture is a very stable internet connection. That is also yeah, stable connectivity and very interactive session, ma'am. Very interactive. Thank you so much. And, ma'am, tomorrow also three sessions are there, 2 to 5 p.m. Yes. Practice questions in the last half an hour or 45 minutes. Yes. Tomorrow? So I will leave the meeting now. And yes, thank you so much, everyone. Thank you. Please take care of yourselves and see you all tomorrow. Bye-bye. Take care. Bye-bye. Tomorrow. Thank you, ma'am. Thank you. Friends, I am also ending the meeting for the day. It's Now, this PPT and that report instructions, be remember that.
पीपीटी सबमिशन की लास्ट डेट है 26th of January और रिपोर्ट सबमिशन की लास्ट डेट है 30th of January। तो आप लोग अपना पीपीटी और रिपोर्ट बनाना चालू कर दीजिए। सेमिनार का टाइम टेबल आई विल डिस्प्ले टुमारो अकॉर्डिंगली द अवेलेबिलिटी ऑफ योर रिसोर्स पर्सन और इवेल्युएटर। आई विल डिस्प्ले द टाइम टेबल बाय टुमारो और डे आफ्टर टुमारो फॉर सेमिनार प्रेजेंटेशन। हेलो यस यस सर। मैडम वो टाइम ऑफ सबमिशन क्या रहेगा जिसके 26 का डेट जो है उसका टाइमिंग 5 बजे तक रहेगा कि ये रात को 11-12 बजे तक रहेगा? यस रात तक रहेगा। ओके मैम थैंक यू। मैम वो आपने बोला था ना कि एक लास्ट पेज पे गाइड का सिग्नेचर चाहिए तो उसका भी प्रोफार्मा उसमें दिया है क्या? नहीं उसका नूडल्स उसका कोई प्रोफार्मा नहीं है। जहाँ पे आपके रेफरेंसेस एंड होते हैं वहीं पे आप साइन लेनी है। आपकी साइन एक साइड में लीजिए, लेफ्ट साइड है तो राइट साइड, और एक साइड में आपकी गाइड की साइन लीजिए। ओके ठीक है चलिए। सी यू टुमारो एट 10:15 फॉर अवर नेक्स्ट सेशन। कल से अपना आशीष लिंगे सर के सेशन चालू होंगे। हाई प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, एक्चुअल रिसर्च मेथोडोलॉजी टॉपिक्स। सो बी ओके। थैंक यू प्रीति मैम, थैंक यू सो मच मैम। Regarding the signature, I wanted to have some clarification. हाँ मैम बोलिए प्लीज। मैम वो सिग्नेचर कैसे लेना है समझ में नहीं आ रहा क्योंकि ये तो हमारा सॉफ्टवेयर में है ना। सॉफ्टवेयर में नहीं मैडम। मैडम देखिए आप अपना रिपोर्ट बनाएंगे वर्ड फाइल में ठीक है। उसका लास्ट पेज क्या करिए, उसके लास्ट पेज का प्रिंट ले लीजिए। या तो आपके गाइड अगर स्कैन सिग्नेचर आपको देते हैं इमेज के फॉर्मेट में तो वो स्कैन सिग्नेचर आप लास्ट पेज पे अटैच चिपका दीजिए या तो फिर पेस्ट कर दीजिए और फिर वो डॉक्यूमेंट हमें अटैच। यस यस एक्चुअल सिग्नेचर इज नीडेड। तो फिर मैडम सबमिशन में फिर कैसे करेंगे मतलब ये मैंने गूगल फॉर्म मैंने सबमिट किया है ना आपको, गूगल फॉर्म में वो फाइल अटैच करनी है। मैम शैल वी नीड टू अपलोड वर्ड फाइल और अ पीडीएफ फाइल? बोथ आर एक्सेप्टेबल, बोथ आर एक्सेप्टेबल। ओके 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 मैम। ठीक है हाउ टू डू दैट सिग्नेचर दैट इज नॉट क्लियर टू मी, समझ में नहीं आ रहा है मुझे। अरे आपका लास्ट लास्ट पेज रहेगा ना जहाँ पे रेफरेंसेस एंड होते हैं ठीक है। वो पेज पे आपके गाइड आपके नागपुर में ही है कि बाहर गांव में है? अभी तो है मैडम। हाँ तो आप लास्ट पेज पे जाके उनकी पहले साइन ले लीजिए और फिर वो पेज का फोटो निकालिए और वो इमेज आपका जो रिपोर्ट रहेगा। फॉर एग्जांपल आपका 10 पेज का रिपोर्ट है वर्ड फाइल में तो 11वें पेज में वो वाली इमेज पेस्ट कर दीजिए जहाँ पे आपने गाइड की साइन लाई है। फिर वो फिर वो पूरा डॉक्यूमेंट अटैच करिए जो गूगल फॉर्म मैंने दिया है उस पे। ठीक है मैडम समझ में आ गया। ठीक है मैडम एक और पूछना था। हेलो हाँ बोलिए मैडम। रिपोर्ट में जो रेफरेंसेस होते हैं उसके नीचे में अपने साइन होती है गाइड की और स्टूडेंट की ठीक है। हाँ तो क्या रेफरेंस का हिस्सा उसमें आना चाहिए क्या? हाँ ब्लैंक क्योंकि हमारे सिनॉप्सिस में ब्लैंक पेज पे साइन लेनी है। तो ब्लैंक पेज पे भी साइन चलेगी ना? नहीं नहीं ब्लैंक पेज पे साइन नहीं चलेगी, एटलीस्ट एक तो भी रेफरेंस आना चाहिए उस पेज में। ओके 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 मैडम थैंक यू थैंक यू। ओके so now I am ending the meeting, see you tomorrow at 10:15, goodbye, good day and take care and thank you ma'am. Do start your preparation of PPTs. Okay ma'am.